हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपना अपना वैक्सीनेशन करा रहे होंगे और अपने काम पे भी निकल रहे हैं, राइट? तो हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करें। मैंने सोचा आज का जो सेशन है हम विदाउट स्लाइड करें तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और ये सेशन मेरे फेसबुक पे भी लाइव हो रहा है, सो मेरे साथ बहुत सारे फेसबुक के लोग भी कनेक्ट हैं। अपने बारे में बताना चाहूंगी, मेरा नाम है ममता पांडे और मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन मैं टीचिंग से बिलोंग करती थी, अगर कहूँ तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि लगभग मैंने, अगर मैं बात करूँ तो एमएड किया है। इसके पहले डिग्री कॉलेज में कार्यरत थी और इस बेहतरीन सिस्टम में आए हुए मुझे 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें वर्क करते हुए मुझे 8 साल हो चुके हैं। तो जो कुछ भी मैंने अपने इस बेहतरीन करियर में सीखा, जाना, जो मेरी स्ट्रगल्स से मैंने अचीव किया, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करने का मुझे मौका मिलेगा। और ये वो इंडस्ट्री है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसने मेरे जैसे लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगी में चेंज किया है। पिछले सेशन में जो फेसबुक लाइव हुआ था उसमें हमने जो है बीओपीपी सेशन रखा था, यानी बिजनेस ओरिएंटेशन प्लान प्रेजेंटेशन। तो जो भी लोग उसको देखना चाहते हैं आप रिपीट उसको कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं उसे कि कैसे बिजनेस करना है। आज हम लोग कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स पे बातचीत करेंगे, एक दो ऐसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे बात करेंगे, उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है वो पर्सनल केयर का सेशन है। तो मैं सब पे चर्चा करूंगी और हमारे बीच जो है बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी मुझे लाइव भी दिख रहे हैं, राइट? तो आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसने, अगर प्रोडक्ट्स तो इसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं ही हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स दुनिया के 160 देशों में जाते हैं अपनी क्वालिटी की वजह से। रिजल्ट ओरिएंटेड है, इससे आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं। मैं भी अपने बारे में बात करूं तो मुझे मेरा आना किस वजह से हुआ, इस वजह को जरूर बताना चाहूंगी। मुझे गॉल ब्लैडर में 12 mm का स्टोन था और इसके लिए मुझे, मैंने कई सारे, मैं डॉक्टर्स को दिखा रही थी और सभी ने मुझे कहा कि मुझे ऑपरेट कराना पड़ेगा। लेकिन किसी, कहते हैं कि जब आप कभी ज्यादा परेशान होते हैं या कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो मेरी मुलाकात मेरे अपलाइन से हुई और वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, परिचित थे, तो उन्होंने बताया कुछ अच्छे न्यूट्रिशन है मेरे पास, इसका इस्तेमाल करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो डायबिटिक थे और उनका डायबिटिक जो स्तर था वो नॉर्मल हो चुका था इन सप्लीमेंट्स को यूज करने से, और ये बात हम सबको पहले से पता थी। तो उन्होंने कहा कि आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और आई एम श्योर कि आपको इसमें रिजल्ट आएगा। तो मुझे ऑपरेट तो कराना ही था, मैंने कहा चलो इसको भी करके देख लेते हैं। देन मैंने इसको स्टार्ट किया और सभी डॉक्टर्स मुझे मना कर चुके थे कि कभी भी जो है जीपी स्टोन ये रिमूव नहीं होता है, तो आपको अंततोगत्वा ऑपरेट ही कराना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है ऑपरेशन कराना पड़ेगा लेकिन अभी इसको ट्राई करते हैं। मैंने अपना फर्स्ट मंथ का प्रोडक्ट मंगाया और बिलीव मी कि मैंने जब इसको यूज करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया। रिस्पांस में अगर मैं बात करूं तो जो मुझे गैस की प्रॉब्लम होती थी बार बार, वो खत्म हो गई, और जो मुझे पेन होता था स्टोन की वजह से, मुझे यहाँ पे साइड में और स्पाइन के पीछे बैक में मुझे पेन होता था बहुत ज्यादा, ये मेरा पेन खत्म हो गया। और मुझे एनर्जी भी ऐसा लगता था, क्योंकि मैं टीचिंग में थी तो लगभग शाम के 4 बजे मैं अपने घर आती थी, तो मुझे एनर्जी में भी जो है काफी बदलाव, काफी चेंजेस आए। देन मैंने इस प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करना शुरू किया और मैंने सोचा कि 1-2 महीना और करके देखते हैं। आपको मैं बताऊं कि इस तरह से 3 महीने बीतते बीतते मुझे काफी अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया था और
क्या मेरे शरीर में पथरी है, ऐसा मुझे जरा सा भी सिम्टम जो पिछले कई सालों से मैं झेल रही थी बिल्कुल मुझे महसूस भी नहीं हुआ, एक बार भी मुझे सिंगल वन टाइम भी पेन नहीं हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मेरा जो स्टोन है वो लग रहा है कि समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड ले लिया, जैसे ही मैंने अल्ट्रासाउंड लिया तो जो उसका साइज था वो साइज बड़ा हुआ मिला मुझे मेरे रिपोर्ट में। अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया कि मैंने अभी इसको अल्ट्रासाउंड कराया है, 3 महीने प्रोडक्ट भी चलाए, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इवन मुझे लगता है कि मेरे पैसे खराब हुए, लेकिन यस मुझे ये था कि मुझे एक बार भी पेन नहीं हुआ, मुझे महसूस भी नहीं होता था कि मुझे स्टोन है, और मेरा एनर्जी लेवल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और काफी एक कह सकते हैं एक अच्छी फीलिंग मुझे आ रही थी इसे यूज करके। सो मैंने इसे कंटिन्यू किया फ्रेंड्स, और जब ये देखा रिपोर्ट में कि ये तो बढ़ गया साइज, तो फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने जो हमारे सीनियर हैं उनको मैंने बात की, उनको कंसल्ट किया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो और साइज बड़ा हो रहा है। तो उन्होंने जो हमारे और भी एक सीनियर है जो दिल्ली में है और वो मेरे कोच भी हैं डॉक्टर अनुज सरोट, उनसे मेरी बात कराई, तो उन्होंने मुझे एक लॉजिक दिया कि जैसे सपोज दैट एक चना है, चने को अगर आपने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, वो भीगेगा और वो फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक ऐसा ही कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होता है, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि यस श्योर है ऐसा, लेकिन कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। आप इसे कंटिन्यू कीजिए और ये आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा, यस आपको ये आपके हेल्दी रहने में आपको हेल्प करेगा, और आई होप कि इससे आपका स्टोन भी निकल जाए, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये आप अपने ऊपर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कीजिए। फ्रेंड्स मैंने इसको कंटिन्यू किया क्योंकि मैं ऑपरेशन से बहुत उस समय डरती थी और मुझे लगता था कि शायद मुझे एकदम 100% आशा थी कि इससे मेरा प्रॉब्लम दूर हो सकता है, और मैंने इसको लगातार कंटिन्यू किया लगभग 10 महीने तक, और 10 महीनों के टाइम में मुझे एक टाइम भी सिंगल वन टाइम भी मुझे एक बार भी पेन नहीं हुआ, और कह सकते हैं ये मेरे लिए एक मिरेकल रिजल्ट था। मैंने फिर से अल्ट्रासाउंड लिया 10 महीने के बाद, फ्रेंड्स जो मेरी 12 mm की पथरी थी वो नहीं है, आज भी मैंने कोई ऑपरेट नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। मैंने उसके बाद फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड लिया रीचेक करने के लिए दूसरी जगह, लेकिन उसमें नहीं था। ये मेरे साथ एक मिरेकल चेंज आया, देन मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया उसके बाद से, क्योंकि शुरू में तो मेरा फेथ ही नहीं था, लेकिन चीजें अच्छी लगी, रिपीट हुई मेरे घर में, मैंने इसको रिपीट किया बार बार, तो मुझे बहुत अच्छे इसके फायदे नजर आए और मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज करना अपने घर में शुरू कर दिया। मैं यूज तो पहले से कर रही थी, और भी प्रोडक्ट्स में मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, और इस तरह से फॉरएवर मेरी लाइफ में आया। ये वो डिसीजन था, यानी फॉरएवर को ज्वाइन करना एज ए बिजनेस काम करना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था। इसने ना केवल मेरी लाइफ को चेंज किया, मेरे पूरे परिवार को सबसे बड़ी चीज दी वो है हेल्थ। आज मेरा पूरा फैमिली हेल्दी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसने वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे दी जिसकी वजह से आदमी मैंने अपने सारे सपनों को पूरा किया, चाहे वो घर का सपना हो। मेरे पास सिंगल मैं बात करूं तो 2 कमरे का एक मकान, छोटा सा मकान था, और जब मैं इस बिजनेस में सफर कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी, उस समय ये सोचती थी कि मैं किसी को प्रेजेंटेशन दूं तो मुझे अपने घर में इनवाइट करने में भी झिझक होती थी कि कैसे मैं अपने घर पे किसी भी नए पर्सन को बुलाऊं, कि उस टाइप से मेरा घर भी नहीं है। लेकिन थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड जिसकी वजह से आज लाइफ में वो सब कुछ पाया जिसके लिए लोग 40-40 साल काम करते हैं, 50-50 साल काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि एक अच्छे अधिकारी की सैलरी से जो अचीवमेंट लेते हैं उससे भी ज्यादा अचीवमेंट मैंने इस अपॉर्चुनिटी से पाया है। मैंने पाया ये बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने, मेरे साथ सबसे बड़ी खुशी होती है कि आज मेरे इस
बेहतरीन सिस्टम की वजह से अगर 20 लोगों के घर में सैलरी जा रही है तो ये मेरा काम करना सफल हुआ। अदरवाइज तो मैं तो किसी के नीचे ही काम कर रही थी, मैं तो किसी के जो भी उनका स्कूल था, जो भी उनका वो था, उसी का एक पार्ट थी। लेकिन आज इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे भी ये मौका मिला कि मैं किसी के जीवन में चेंज कर सकूं। सो इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे ग्रीस जाने का मौका मिला 2016 में। तो वहां पूछा जा रहा था कि सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है, तो कोई अपना अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कोई एलोवेरा जेल बता रहा था, कोई नेक्टर बता रहा था, यानी जिसे जो प्रोडक्ट पसंद आता है वो प्रोडक्ट बता रहा था। मगर वहां पे फिर स्पीकर ने बताया कि सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट है वो इस अपॉर्चुनिटी का यानी फॉरएवर का, वो है मार्केटिंग प्लान। यानी वो मार्केटिंग प्लान जिससे आप इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स को तो जी सकते ही हैं, इन प्रोडक्ट्स को यूज तो कर सकते ही हैं, एक हेल्दी लाइफ तो ले ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप जीवन की वो सारी खुशियां ले सकते हैं, आप अर्निंग ले सकते हैं, आप अपना घर बनवा सकते हैं, आप देश विदेश के टूर ले सकते हैं, आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन लेना ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन को मैं अब स्टार्ट करना चाहूंगी। ये मेरा परिचय था, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़ते हैं तो उन्हें अपना परिचय देना भी जरूरी होता है फ्रेंड्स। और जो भी लोग कनेक्ट है उनमें से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर किसी एक की भी जिंदगी में आज के इस सेशन से बदलाव आता है तो मैं ये मानूंगी कि वो मेरे जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले मेरे जीवन में भी इसी तरह से चेंज आया था, और अगर वो चेंज आपके जीवन में भी आता है तो मैं ये मानूंगी कि आज का सेशन हमारा जो है वो कह सकते हैं सफल हुआ, राइट। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, एक दो हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत तो इस अपॉर्चुनिटी में वहीं से होती है। और आफ्टर दैट, जैसा कि मैंने अपना वो बनाया था आज के बारे में, कि आज मुझे कुछ ऐसे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट के बारे में भी बात करनी है जो हम लोग यूज करते हैं। सो एक मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग जो इसका मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलोवेरा जेल, इस पे बातचीत करते हैं। एलोवेरा जेल ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको, यानी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हम इसको द एलोवेरा कंपनी के नाम से जानते हैं। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इसको फॉरएवर के नाम से नहीं, एलोवेरा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसने करोड़ों लोगों के जिंदगी को सेव किया है। 1,30,00,000 पन्ने इसके लिए लिखे गए हैं। अगर हम बात करें तो एलोवेरा एक क्रांतिकारी पौधा है, पूरी दुनिया में ये पाया जाता है, और इसकी 400 वैरायटी होती है। इन 400 वैरायटी में बहुत सारे लोग आज कह सकते हैं कि सभी लोग अपने घरों में एलोवेरा लगा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, महज 28 से 30 पौधे इतने ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं जितना एक बड़ा आम का वृक्ष देता है। सो आप इसके गुणों को समझ सकते हैं कि कितना अच्छी चीज है। लोग अपने बेडरूम में लगाते हैं ताकि वहां का वातावरण शुद्ध हो सके या शुद्धियों को सोख लेता है। सो फ्रेंड्स, ये डिटॉक्स करता है हमारे बॉडी में। सबसे ज्यादा इसके अंदर ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं, अगर हम बात करें इसमें विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड, एंथ्रोक्विनोन प्रॉपर्टी, वो सारा कुछ पाया जाता है जिसकी हमें नीड है। तो इसको हम अपना सकते हैं अपनी लाइफ में, और इससे हम हेल्दी तो रह ही सकते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को एक हेल्थ दे सकते हैं। इसको 200+ डिजीज में हम यूज कर सकते हैं, जबकि ये कोई मेडिसिन नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें, एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो लगभग कोई सी भी, क्योंकि ये सेल रीजनरेशन का वर्क करता है, और जिसके अंदर भी सेल रीजनरेशन की पावर होती है फ्रेंड्स, वो हर प्रॉब्लम में वो काम आता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को
क्लियर करता है, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, अगर हम बात करें तो जो हमारी विलाई है, विलाई के अंदर की जो संरचना होती है वो हमारी उंगलियों की तरह होती है, और हमारा विलाई यानी हमारी आते बिल्कुल इस तरह से 24 आवर्स, जिसको हम कहते हैं संकुचन एंड विमोचन, ये चलता रहता है। और जब हम एलोवेरा पीते हैं तो ये हमारे सिस्टम को, ये हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। मैं कहना चाहूंगी कि एलोवेरा जेल का डेमो मेरे पास भेजा जाए प्लीज। सो अभी हम एलोवेरा जेल के डेमो पे भी देखेंगे कि कैसे ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एंजाइम्स की प्रॉपर्टी पाई जाती है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अगर हम बात करें पॉलीसेक्राइड्स होता है, इसके साथ साथ विटामिन ए बी सी डी ई के, बीटा कैरोटीन, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 भी इसमें पाया जाता है, जो कि खून बनने में हेल्प करता है। तो हम इसका सेवन जरूर करें। और ये इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के साथ साथ सबसे बड़ा गुण इसमें जो पाया जाता है वो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी गंदगी को हमारे शरीर से बाहर करता है। और जब ये हमारे शरीर से, बॉडी से गंदगी को बाहर करता है तो वो क्या करता है कि किसी भी, मान लीजिए सपोज दैट हम कुछ भी खा रहे हैं, तो हमारा बॉडी जब वो क्लीन रहेगा तो उस चीज को 100% एब्जॉर्ब करेगा, यानी हर उस खाद्य पदार्थ की एफिकेसी को ये बढ़ा देगा। सो आप इसका सेवन जरूर कर सकते हैं। एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आज बहुत सारे लोग जैसे ही किसी ब्रांड का नाम आता है सीधे ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कुछ रुपए उन्हें सस्ते तो मिल जाते हैं लेकिन फ्रेंड्स उन्हें डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाता है। तो हम इन सब चीजों से, डुप्लीकेसी से, अंडरकटिंग से, इन सारे चीजों से बचे। और जिस भी शख्स ने आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी है, आप डायरेक्ट उसे कॉन्टेक्ट करें, अपनी आईडी जनरेट करें और अपनी आईडी जनरेट करके अपना ऑर्डर खुद करें, या उस शख्स की आप हेल्प ले सकते हैं जिसने आपको इसके बारे में बताया है, वो आपको एक अच्छी गाइडलाइन के तहत और अच्छे प्रोडक्ट्स आप तक देगा। एक मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिएगा, मैं बस एक मिनट में आती हूँ, थोड़ा सा एलोवेरा जेल का डेमो मैं आप तक दे सकूँ। इत्तफाक से मैंने यहाँ पे जेल रखा नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, ये है एलोवेरा जेल जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये एक ऐसा डिटॉक्सिफायर है जो हमारी बॉडी को अंदर से नीट एंड क्लीन करता है। तो हमने जाना एलोवेरा जेल को। अब इससे बनने वाले कुछ ऐसे जो हमारे डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स है, जो हमारा स्किन केयर में आता है, जो हमारे पर्सनल केयर के में यूज होता है, हम लोग इस पे बातचीत करेंगे, राइट। तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं लास्ट में करूंगी, तो आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आने वाले 20 मिनट्स तक ये सेशन और चलेगा, सो आप इसको जो है 20 मिनट तक एंजॉय कीजिए। और अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल केयर के बारे में। यूं तो सुंदर दिखना और अच्छा दिखना सभी कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे हमारी स्किन खिली खिली रहे, हमारा जो कह सकते हैं किसी को भी रिप्रेजेंट करने का एक अंदाज वो कुछ अलग नजर आए। और हम किसी के भी सामने आते हैं तो उसके ऊपर हमारी एक अलग छाप पड़े। हर कोई चाहता है और हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई लुक गुड एंड फील गुड, यानी वो अच्छा दिखे, अच्छा महसूस करे और अगले तक भी उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा जाए, राइट। तो आज हम लोग कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट पे भी बातचीत करेंगे और इन पर्सनल केयर में कुछ स्किन केयर भी हमारे बीच में शामिल है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला अगर हम बात करें, जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है मैं उस पर बातचीत करना चाहूंगी, जिसका नाम है एलो स्क्रब। एलो स्क्रब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अपने पर्सनल केयर के साथ साथ आप इसको अपनी स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे स्किन को रीजनरेट करता है। और जैसा कि स्क्रब आप जानते होंगे, ये क्या करता है, हमारे डेड सेल्स को हमारे स्किन से, हमारे फेस से दूर करने में हेल्प करता है।
तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के साथ साथ हम इस प्रोडक्ट को जानेंगे। जैसा कि इसका नाम है फॉरएवर एलो स्क्रब, और इसके अंदर क्या है, सबसे पहली चीज इसमें एलोवेरा है, और एलोवेरा के साथ साथ इसमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो जोजोबा बीट्स है। यानी अगर मैं आपको इसको खोल के दिखाऊं तो थोड़ा सा आप यूँ देख पा रहे होंगे, ये मैंने थोड़ा सा लिया है और ये इसको बिल्कुल इस तरह से जो है अपने फेस पे आपको करना होता है। मैं अभी हाथ पे करके दिखा रही हूँ, यानी जरा सा लिया मैंने और ये कैसे हमारे स्किन में पूरी तरह से फैल जा रहा है। तो आप इसको प्रेस जब करके और इस तरह से चलाएंगे अपने हाथ को, तो आप 8 से 10 मिनट ये काम करेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि 8 से 10 मिनट देखिए आप फैलता चला जा रहा है, यानी आप जब अपने पूरे फेस पे इसको वो करेंगे तो ये पूरे फेस पे आपके नेक पे ये चला जाएगा। और इसमें बहुत, अगर हम बात करें ऐसे छोटे छोटे दाने हैं जोजोबा बीट्स हैं, जो इसके अंदर हमारी त्वचा में चले जाता है, और इसके अंदर एलोवेरा होने की वजह से ये डीप पेनिट्रेशन करता है हमारे स्किन के अंदर। थोड़ा सा स्किन लेयर को हम जानते हैं, स्किन 3 लेयर की होती है, सबसे पहली एपिडर्मिस, सेकेंड डर्मिस एंड थर्ड इज हाइपोडर्मिस। तो ये लास्ट लेयर तक चला जाता है फ्रेंड्स। देखिए आप बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी इससे आप पूरा अपना हाथ, अपना चेहरे, अपने गले को स्क्रब कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप ये देखेंगे ये पूरी तरह से ये आपका बढ़ता चला जाएगा। आप इस पे थोड़ा सा पानी का भी जो है, थोड़ा सा पानी, मैंने देखिए पानी लगाया, थोड़ा सा अपनी उंगली में पानी लेंगे और आप उसके बाद इसको जो है बिल्कुल इस तरह से करेंगे। इस तरह से आप अगर 10 मिनट्स तक करते हैं, इसको ओवल शेप में करना है आपको, एंटी क्लॉक वाइज ओवल शेप में, है ना, जैसे घड़ी जिस दिशा में चलती है तो उसके अपोजिट आप करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज आप इसको घुमाएंगे और इसको जो है ओवल शेप में करेंगे। और जितना ही आप इसको बढ़ाएंगे आप ये देखेंगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और ये क्या करेगा, आपके स्किन की जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकाल के लेके आएगा। इतना ही नहीं, ये आपके स्किन को स्मूथ करेगा, फ्लफी करेगा, और जितने भी डेड सेल्स हैं उन्हें ये बाहर करने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, राइट। तो मैं अभी इतना 10 मिनट को नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ 10 मिनट आपको करना है। और ये मैंने इसको अपने हैंड्स को वॉश कर लिया है और अब हम लोग जो है आप इसका जो है ये दोनों हैंड्स के आप रिस्पॉन्स देख पा रहे होंगे, शायद उतना कैमरे में ना क्लियर हो रहा हो लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि कितना स्मूथ हो गया है, हल्के जो है भीनी भीनी खुशबू भी है इसमें, और ये इसने एकदम पूरी तरह से क्लिंजिंग कर दी है। और जब ये आपकी क्लिंजिंग हो जाती है तो आपके पोर्स खुल जाते हैं, यानी जब आपने चेहरे पे किया तो ये आपके पोर्स को खोल देता है। और जब आपके पोर्स खोल देते हैं, जैसे आप झाड़ू लगाने जा रहे हैं अगर अपने घर में, तो आपने क्या किया, जब आपको झाड़ू लगानी होती है तो आप अपने घर के खिड़की और दरवाजे खोल देते हैं, राइट। अब जब आपने झाड़ू लगा लिया तो फिर क्या करते हैं, झाड़ू लगाने के बाद खिड़की और दरवाजों को बंद कर देते हैं ताकि बाहर की डस्ट आपके घर में ना आ पाए। ठीक इसी तरह से जब हमने स्क्रब किया तो इसने क्या किया, मेरे ये पूरे स्किन के पोर्स को खोल कर दिया। अब जब ये स्किन के पोर्स को खोल देता है तो उसके बाद इसे पैक करना बहुत जरूरी होता है। यानी ये काम हम अपने हैंड पे भी करके दिखा रहे हैं, ये काम हम अपने फेस पे कर सकते हैं, नेक पे कर सकते हैं, वो सारे पार्ट जो भी हमारे अंग के, मान लीजिए जहाँ पे हमारा सेल, जैसे अगर हम बात करें तो चेहरे, अगर हम नहाते हैं डेली तो नहाते समय एक चीज महसूस कीजिए, आपके होल बॉडी पार्ट में जब आप मलेंगे, अच्छे से मलते हैं तो मैल निकल जाता है, लेकिन चेहरे से कभी भी जल्दी मैल नहीं निकलता, क्योंकि चेहरा हमेशा बाहर होता है और बाहर रहने की वजह से इसकी जो स्किन है वो जिद्दी हो जाती है और वहां के डेड सेल्स निकलते ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें स्क्रब करने की जरूरत होती है, जो मैंने अभी स्क्रब करके दिखाया आपको। तो ये स्क्रब है जो आप कर सकते हैं इस तरह से, और स्क्रब करने के बाद अब आप जो है इसको पैक करेंगे, और पैक करने के लिए आप ये एलोवेरा जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगी, ये बिल्कुल देखिए किस तरह से एकदम ट्रांसपेरेंट है, दिखाई दे रहा होगा आई होप आप सभी को, राइट। और मैं अभी इसको यहाँ रख देती हूँ, ये मैंने यहाँ ले लिया, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और आप इससे जो है अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। आप क्या पाएंगे फ्रेंड्स, ये अभी जब लगा रहे हैं तो ये गीला है, राइट,
और ये 2-3 मिनट के अंदर एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा 100%। आप देख पा रहे होंगे आपको इसको यूज करने से आपकी स्किन का जो ग्लो है, जो शाइन है, वो एकदम इतना बेहतरीन हो जाएगा कि जैसे एक छोटा सा बच्चे की जो स्किन होती है फ्लफी होती है, शाइनिंग होती है, उस टाइप से ही करना स्टार्ट कर देता है। यानी ये एलो जेली आपके स्किन को रीजनरेट करता है, रिंकल्स फ्री करता है आपके स्किन को। और इतना ही नहीं, आप इसको जलने कटने छिलने पे कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कह सकते हैं फर्स्ट एड है एक तरीके से, जिसे आप हर जगह लगा सकते हैं। आप अपने चेहरे पे मॉर्निंग में सबसे पहले चेहरा धोने के बाद, चाहे आपने फेस वॉश से चेहरा वॉश किया, चाहे आपने साबुन से धोया, उसके बाद आप इसको फर्स्ट टाइम इसको एलोवेरा जेली को अप्लाई करें। रात में सोते टाइम भी चेहरे को धो करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या क्या करेगा, सबसे पहले आपकी स्किन को रीजेनरेट करेगा, आपकी स्किन को रीटेन करेगा, और इसके साथ साथ ये आपकी स्किन को रिस्टोर करेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्रीम है आपके रिंकल्स को। जैसे किसी के भी सपोज दैट ये आंखों के किनारे रिंकल होना शुरू हो जाए, फर्स्ट स्टार्टिंग जब होती है रिंकल की, तो आंखों के किनारे किनारे माथे पे लाइनिंग फाइन लाइन आना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल का हो जाना, किसी भी जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम करेगा। इतना ही नहीं, अगर आपके मुंह में छाले हो गए हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जल जाए, कट जाए, छिल जाए, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे, ये देखिए मैंने अभी देखा है, तो ये एकदम सूख रहा है, अभी थोड़ा सा बचा है, गीला है हल्का हल्का, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि दोनों हाथों में क्या डिफरेंस आया है, राइट। ये डिफरेंस आपके फेस पे देता है। सिर्फ इतना कर लेने मात्र से, जो फेशियल कराने के बाद, मेल फीमेल आज के डेट में हर कोई फेशियल कराता है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, और ये कहीं से भी ये लग्जरी नहीं है फ्रेंड, हर किसी को अपना केयर करना चाहिए, राइट। आपने केवल स्क्रब किया और एलोवेरा जेली को अप्लाई किया, सिर्फ ये दो चीजों को अप्लाई करने से जितना आप एक फेशियल को करा के आने के बाद जो शाइनिंग आपको आती है, उससे कहीं ज्यादा अच्छी शाइनिंग आपको केवल इन दो चीजों से, मेरे हाथों से ही आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, राइट। इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये कि नेचुरल है, और इसमें जो है आप दिया देख सकते हैं, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिली हुई है, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो है इसमें 70% एलोवेरा होने की गारंटी है। और एलोवेरा आज आप बहुत सारी कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट में डालती हैं, लेकिन आप परसेंटेज को अगर आप वहां पे पढ़ेंगे तो किसी में 1%, किसी में 2%, और इस तरह से, यानी उसमें एलोवेरा भी है लेकिन इसमें एलोवेरा ही है फ्रेंड्स। ये दोनों में बेसिक अंतर है। सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको अपने जिंदगी में ले करके यूज कीजिए, आपको ये इतना महसूस अच्छा महसूस होगा कि फिर आप कभी भी लाइफ में आप प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं, और आज अभी हमने जाना सबसे पहले एलोवेरा जेल को, जो कि हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, उसके बाद हमने जाना एलो स्क्रब को, जो कि हमारे स्किन की, हमारे चेहरे की सफाई करता है, और उसके बाद हमने जाना एलोवेरा जेली को, जो कि हमारे स्किन को रिटेन करता है, रिस्टोर करता है, रिजुनाइल करता है, यानी हमारा अगर रिंकल्स वगैरह है चेहरे पे तो उन्हें भी दूर करने में ये हमें हेल्प करता है। तो इस तरह से पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं, और आप डेली बेसिस पे एक एक प्रोडक्ट को जान सकते हैं। स्टेबलाइज एलोवेरा जेल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, और हम वो सबसे सर्वोच्च मानक हैं जो जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स को बहुत सारे रेटिंग मिले हैं, और ये रेटिंग कोई सामान्य रेटिंग नहीं है, ये सारे रेटिंग इंटरनेशनल रेटिंग है। जैसे अगर हम एलोवेरा जेल पे ही रेटिंग्स की बात करें फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये सबसे पहले जो है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिली हुई है, दूसरी चीज ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, तीसरा ये ग्लूटेन फ्री है, और चौथी चीज एम हलाल का ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, और कोसर रेटिंग है, जिसकी वजह से पूरी तरह से सुपाच्य है, कोई भी व्यक्ति इसको कंज्यूम कर सकता है। तो आप इसको जो है अपनी लाइफ में जरूर शामिल करें। आप पाएंगे कि डॉक्टर्स के चक्कर काटने बिल्कुल बंद हो गए हैं, और आप पहले से हेल्दी रहना शुरू हो गए हैं,
आपकी स्किन टोन में बदलाव देगा जबकि आप इसको पियेंगे, है ना। आप चाहे तो आप इसको बालों की जड़ों में भी मसाज भी कर सकते हैं, आप इसको अपने स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पस प्रोडक्ट होगा जिससे आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पा सकते हैं। और एट लास्ट, जैसा कि मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बताया था आपसे, तो हम लोग जो है इसका डेमो भी आपके बीच कर लेते हैं। तो ये मैंने एक ग्लास लिया, इसमें पानी लेते हैं, एक मिनट मेरे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। सो डेमो डेमोन्स्ट्रेशन के बाद आज के इस सेशन को हम लोग एंड करेंगे, और डेली बेसिस पे जो भी हमारा, चाहे बीओपीपी सेशन यानी बिजनेस का सेशन होगा या हमारा कोई भी प्रोडक्ट सेशन होगा, तो हम लोग डेली बेसिस पे एक दो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी डीप में ले सकते हैं। तो ये मैंने अभी पानी लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कैसे हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, ये हम देख सकते हैं। ये एक सिंबॉलिक डेमोन्स्ट्रेशन है, ये सामने लिया है मैंने बीटाडीन, राइट, आई थिंक आपको नजर आ रहा होगा। ये बीटाडीन जो है मैं इसमें डाल देती हूँ। बीटाडीन से डेमो हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये मैंने इसमें कुछ मात्रा जो है डाल दी है बीटाडीन की। अब ये कैसा हो गया है आप यहाँ देख सकते हैं, इसने क्या किया, यानी ये पूरा पूरी तरह से इसमें गंदगी आ गई। इसी तरह की गंदगी हमारे शरीर में आनी शुरू हो जाती है, यानी हमारे पेट में आनी शुरू हो जाती है, और 87.5% बीमारियों का जो कारण होता है वो हमारा पेट होता है। लेकिन इसको हम जब एलोवेरा डालते हैं, यानी ये है एलोवेरा, मैं अभी इसके सील को खोल रही हूँ आपके सामने, और इसको हम शेक कर सकते हैं क्योंकि अभी जैसे ही हम सील कर खोलते हैं तो इसको हमें शेक कर लेना चाहिए ताकि ये जो भी चीजें नीचे बैठी हैं तो वो पूरा आ जाए। और इसको आप पी सकते हैं एक बड़ा घूट भर के, एटलीस्ट कम से कम 100 ml जरूर आप पिए। और ये कुछ बूंदे इसमें मैंने डाली, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ काम कर रहा है नीचे से, राइट। इसने क्या किया, इसको, ये कोई जादू नहीं हुआ है फ्रेंड्स, इसने क्या किया, इस गंदगी को सोख लिया। इसी तरह से हमारे बॉडी में जो हमारे विलाइज में जो गंदगी है ये उसको सोख लेता है, और जब आप इसके बाद गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपकी बॉडी से उसको बाहर करना स्टार्ट कर देता है। तो ये किस तरह से आपके बॉडी में हेल्प करता है, आपको स्वस्थ रखने में, आपको सुंदर दिखने में, आपको कह सकते हैं कि हर चीज में कह सकते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं तो लाखों और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो कमाना तो दूर की बात है, हमारे अपने ऊपर लाखों और करोड़ों रुपए लग जाएंगे। सो डिसीजन इज योर्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और फिर बने रहिएगा हमारे साथ, कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ, और इसके साथ साथ आप नई जानकारियां जो है लेते रहेंगे, और आप यहाँ पे आपको जो है डेली बेसिस पे हम लोग कुछ चीजों पे बातचीत करेंगे। कल फिर मिलेंगे 9 बजे इसी समय पे, तो कल का इंतजार जरूर करें और एक बेहतरीन प्रोडक्ट पे हमारी क्लास होगी, राइट। एक मिनट आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ये सेशन क्योंकि जो है फेसबुक पे आ रहा था तो वही देख रही थी। ओके, अभी भी हमारे पास 5 मिनट है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये सेशन, आप इसके बारे में जो है अपने सीनियर के साथ, जिसने भी आज का जूम मीटिंग आपको बताया है, आप उन्हें कांटेक्ट करें, आप इसके मार्केटिंग प्लान का हिस्सा बने। ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स को यूज करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड है, दुनिया के 160+ कंट्री में है, तो प्रोडक्ट में काबिलियत तो है ही है, प्रोडक्ट में दम तो है ही है, तभी वो इतने देशों में बिक रहा है। इसके साथ साथ जो इसका मार्केटिंग प्लान है, वर्ल्ड का बेस्ट अपॉर्चुनिटी सिस्टम है, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यही प्लान निकल के आएगा। सो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और अपनी इनकम को कई गुना बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपनी इनकम को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। सो डिसीजन इज योर्स कि अब आप डिसाइड करना चाहते हैं या अभी भी कुछ वक्त लेना चाहते हैं।
इसी के साथ आज के इस ट्रेनिंग सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे और आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन, कल के सेशन में हम बिजनेस का सेशन रखेंगे, तो कल आप जो है प्रिपेयर होके रहिएगा, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए और उससे आप जो है नए सेशन के बारे में और जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारा प्लान भी नया हो चुका है। सो आपको नोट डाउन करना जरूरी है, मुझे भी नोट डाउन करना जरूरी है। तो कल फिर मिलते हैं 9 बजे इसी आईडी पे। बाय।